नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जयपुर से कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर बड़ा हमला बोलने की तैयारी कर रही है। इस मौके पर राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरेंगे। पूरे राजस्थान में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बजाय राहुल गांधी के बैनर पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। जानकारों की माने तो राहुल गांधी रैली के बाद हॉट सीट पर लौटेंगे। जयपुर में जिस तरह कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की तैयारी हो रही है, उसे देखते हुए कांग्रेस में अखिल भारतीय स्तर पर संगठन के चुनाव को लेकर शुरू हुई कवायद के बीच 12 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी रैली को तैयारी के लिहाज से देखा जा रहा है। राष्ट्रव्यापी रैली में जयपुर समेत राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं, उनमें राहुल गांधी पर ही फोकस किया गया है। भले ही सोनिया गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन पोस्टर और बैनर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की छोटी तस्वीरें लगाई गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के बारे में कहा कि राहुल गांधी तो पीएम मोदी के खिलाफ लड़ने वाले नेता है, उन्हें रीलॉन्च करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जयपुर में होने वाली रैली में शामिल होने के मामले में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इसका जवाब अजय माकन देंगे। हालांकि माकन ने इस बारे में कहा कि सोनिया गांधी का दफ्तर हमें कल बताएगा कि वह आएंगी या नहीं। रैली में आने वाले लोगों के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। हर कुर्सी पर पानी की बोतल और दो मास्क रखे जाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण में रैली को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल कोरोना काबू में है। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली रैली में देश भर से कांग्रेस के नेता आ रहे हैं। वहीं राज्य सरकार का दावा है कि महंगाई हटाओ रैली में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। हालांकि एक सच ये भी है कि जहां रैली होने वाली है वहां 30,000 से ज्यादा कुर्सियां नहीं आ सकती। 2019 में आम चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी ने जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो जयपुर के अल्बर्ट हॉल के सामने बड़ी रैली कर राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष पद पर बैठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब राहुल गांधी नहीं माने थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।